हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। और आज हम जानेंगे नी आर्थराइटिस को रोकने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर वन, जिनको नी में प्रॉब्लम नहीं हुआ है वो कौन सा एक्सरसाइज करें, और जिन्हें ऑलरेडी हो चुका है, नी में दर्द हो रही है, सूजन हो रही है, आर्थराइटिस बल्कि डॉक्टर बोल चुके हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, रात में सोते समय भी दर्द हो रही है, बिस्तर छोड़ने के बाद बिस्तर से आगे नहीं जा पा रहे हैं, अपना बाथरूम वगैरह का काम करना भी मुश्किल हो रहा है, उनके लिए भी एक्सरसाइज बताएंगे। इट मींस दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक जो जनरली सारे लोग कर सकते हैं, दूसरा जो ऑलरेडी पीड़ित हैं, जो डिजीज्ड हैं, जिन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है वो क्या क्या करेंगे। जैसे फर्ज करो आपको अगर नी आर्थराइटिस है, घुटने में आपको दर्द हो रही है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आप ये 3-4 एक्सरसाइज आपको पहले हम दिखाते हैं, लेटे हुए हालत में आप करेंगे। पहला एक्सरसाइज आपको दिखा रहे हैं, एक टॉवेल का आपको सहारा लेना है, आपको ऐसे करके फोल्ड करनी है टॉवेल को, देख लीजिए पूरे ढंग से, क्योंकि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं हमेशा उनकी बहुत ही अच्छा कमेंट्स आता है और वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो हम आपके लिए तैयार हैं और स्पेशली मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना के देने के लिए। तो दोस्तों देखिए एक बारी, हाँ आप दिखाओ। अब ये वन लेग में अगर आपको करना है तो पहले आपको इसको अंदर की तरफ एक लेग को आपको लाना है और घुटने का दबाव जो है वो टॉवेल में डालनी है, हाथ आप ऐसे नीचे भी रख सकते हो, 10 तक गिनती करते हुए आप इसको टाइट करके घुटने का सारा दबाव जो है आप टॉवेल में डालिए, फिर इसको रिलीज करें। अब दोबारा आपको अंदर नहीं लाके इसको बाहर के तरफ ऐसे टाइट करिए और सारी दबाव जो है आप टॉवेल में रखें, ऐसे आप 10 बार अंदर के तरफ, 5 तक गिनती करके, 10 तक गिनती करके, जितना आप कंफर्टेबल हो, और बाहर के तरफ उसी तरीके से, फिर से अंदर के तरफ। इसको याद रखें आपका घुटना का सारा दबाव टॉवेल की तरफ होनी चाहिए। हमने थोड़ा से जो नी है, नी के नीचे मान के चलिए 3 इंच का, अब हमने यहाँ टॉवेल दिए हैं जिससे कि नी आपका जो उसका जो गैप कम हो रही है, एक तरह से गैप बढ़ाने का काम भी करता है और मसल्स लोअर और अपर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग भी करता है। एक लेग अगर आपका कंप्लीट हो जाता है फिर दूसरे लेग को भी उसी तरीके से करना है। अब इसको रिलैक्स मोड में रखिए, इसको आप टाइट करके आप लाते हो। थाइज मसल्स में तो इसका काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि जब घुटना हमारा ख़राब होने लगता है ना तो मसल्स का सहारा उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। थाइज मसल्स, काफ मसल्स, ये सब अगर आप मजबूत करोगे तो घुटना खराब रह के भी आप आगे जा सकते हो और आपका जीवन पेन फ्री हो सकती है। इसी तरीके से इसको बाहर की तरफ टाइट करके रखनी है, ध्यान रखें टॉवेल के ऊपर इसकी दबाव बनाए। इस तरीके से इसको भी 10 टाइम्स आपको करना है। अब बोथ द लेग दोनों को आप एक साथ में अंदर लाना है, नाक को देखो,
फिर से आप बाहर की तरफ टाइट करके रखेंगे। इसको भी 10 times आपको करनी है। फिर आपको क्या करनी है, ये टॉवल को यहां से निकालनी है। अब इस टॉवल को आपको नी के अंदर डालना है। अब आपको दोनों नी को यहां टाइट करनी है, पूरी दबाव आपको इस टॉवल में डालनी है। 10 तक गिननी है, फिर रिलैक्स्ड होनी है। ऐसे 10 times करनी है, 1, 2, 3, 4 करके 10 तक गिनती करनी है और इनटू 10 times करनी है। अब क्या करना है, ये टॉवल को अब यहां से निकालनी है। अब ये देखिए, इसको अब ऐसे फैलानी है दोस्तों, इसको ढंग से आप लोग देखो, इसको ऐसे फैला के टाइट करके रखो, फिर से इनर साइड में लाइए, फिर से आउटर जाना है, फिर से इनर, ऐसे बार बार आपको रोटेट करनी है। फिर देन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाओ, फिर से क्लॉकवाइज, वेरी गुड। अब आपको क्या करनी है, दोनों पैर को ऐसे फोल्ड करनी है, ठीक है। अब टॉवल को आपको यहां देनी है, ठीक है, हाँ ऐसे रखो, जितने में दबाव बना सकते हो उतना गैप दो, डालो दबाव। सेम प्रोसेस, 10 तक गिनती करनी है, 1, 2, 3, 4 करके 10 तक इंटू 10 times, 10-10 बार हमको पूरा करना है। दबाव डालो, वेरी गुड। अब आपको क्या करनी है, इसी पोजीशन में इसमें दबाव डाल के यहां हिप के नीचे हाथ डालनी है और दबाव इधर भी डालनी है और दबाव हिप जॉइंट में भी डालनी है। यहां भी आप दबाव डाल रहे हो और देखो दोनों हाथ ऐसे करके वो दिए हैं अपने हिप के नीचे, हिप और दोनों नी एक साथ में दबाव डाला जाएगा, नी ऐसे दबाव डाल रही है और हिप नीचे दबाव आ रही है दोनों हाथ के बीच में। अक्सर के क्या होता है कि हमारा घुटना जब अफेक्टेड होता है तो दोस्तों हमने देखे हैं ट्रीटमेंट के दरमियान हमारा कमर भी अफेक्टेड हो चुका होता है। इट मींस अगर मुझे नी आर्थराइटिस है या नी में प्रॉब्लम है, उसमें गैप कम हो रही है, कैल्सिफिकेशन हो रही है और ग्रीस कम हो रही है, जो लेमैन लैंग्वेज में हम लोग बातें करते हैं, तो फिर उसका असर जो है वो कमर तक जाएगा ही जाएगा और कमर डैमेज होगा। कमर में अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, गैप कम हो चुकी है, कैल्सिफिकेशन है, नर्व कंप्रेस्ड हो रही है, मांसपेशी में तनाव है, तो उसका सीधा असर आपके वेट बेयरिंग ज्वाइंट यानी नी में आएगा। इसलिए हम लोग जब यहाँ न्यू लाइफ पेन क्लिनिक में काम करते हैं तो ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट के लिए, यानी नी के लिए अगर कोई आता है तो हम लोग उसका कमर के साथ नी का ट्रीटमेंट करते हैं। नी का भी ट्रीटमेंट होती है और कमर का भी ट्रीटमेंट होती है। तो अक्सर के हमने एक्सरे भी करवा ही लेते हैं, अगर कोई घुटने के लिए आया है तो हम कमर का एक्सरे करके देखते हैं। लगभग 80-90% लोगों को कमर में भी प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो ये एक आपको नई बात मैं बता रहा हूं कि ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट फॉर नी आर्थराइटिस, इट मींस नी एंड लंबर बोथ मिला के ट्रीटमेंट। आप भी अगर कहीं कोई फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाते हैं या ऑर्थोपेडिशन के पास जाते हैं, ये बारे में भी आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरा नी के साथ साथ थोड़ा कमर भी सर चेक कर लीजिए, उसका भी एक्सरे वगैरह करके देख लीजिए। अगर कमर में दर्द नहीं भी है तो भी आप एक्सरे जरूर करें और आप पाओगे कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी आया है। तो दोस्तों एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, यहां ये टाइट करना है, दबाव इधर हिप का नीचे की तरफ दबाव डालनी है, कमर और हिप की, ऐसे 10 seconds रुकनी है और इसको 10 times करनी है, वेरी गुड। अब क्या करनी है, ये टॉवल यहां से हटानी है। अगर आपका नी grade 1 के लेवल पे है या बहुत ज्यादा तनाव भरा नहीं है, बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी दर्द आ रहा है, तो आप एक एक्सरसाइज इसमें और ऐड कर लीजिए। ब्रिजिंग पोजिशन में हमको जाना है, ऐसे जानी है,
पैर को आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और हिप को जितना हो सके आप ऊपर उठा के रखें। इसका दो फॉर्मूला है। अगर आपके कमर में और घुटने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो मगर आपको मजबूती चाहिए, घुटने को आगे चल के दिक्कत ना आए, कमर में दिक्कत ना आए, तो दोस्तों क्या करनी चाहिए, इस तरीके से आप नीचे आओ, फिर ऊपर लो, फिर आना है नीचे, फिर ऐसे आप 10 times कर सकते हो। सांस छोड़ के भी आप नीचे आ सकते हो, सांस भर के आप ऊपर जा सकते हो। इससे आपकी काफ मसल्स, थाइज मसल्स और स्पाइन, और स्पाइन का दोनों साइड के जो मसल्स हैं, बैक मसल्स, वो सारे मजबूत होंगे और उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी। मगर आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप ब्रीदिंग पोजिशन में जाके थोड़े देर के लिए रुक सकते हो, फिर आप रिलैक्स। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाथ ऐसे आप रखो। तो दोस्तों आप देखिए, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाइए, तनाव को कम करिए, इस तरीके से आपको जाना है और इसको इस पोजीशन में आना है। द सेकंड रुकनी है, वेरी गुड, चेहरा उधर कर लीजिए और इस तरीके से इधर आनी। इसको 10 times कर लीजिए और बड़ा बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में रहिए। जल्दीबाजी नहीं, बहुत जल्दी कर लेंगे ऐसा नहीं है, आराम आराम से करिए, बिल्कुल जर्क होने ना दें, तभी आप अपना कमर, घुटना, एंकल वगैरह बचा सकते हो। बहुत ही रिलैक्स मोड में 10 बार करिए, 20 बार करिए, इसको जितना भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करनी है, थोड़ा सा साइकिलिंग करनी है, ठीक है। ये देखो, ऐसे पूरा इसको घुमाओ साइकिल की तरह, वेरी गुड। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा हिप के नीचे भी हाथ अंदर भर के भी कर सकते हो, घुमाओ साइकिल, पूरा रोटेट कराइए, इसको पूरा घुमा, एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा देर क्लॉकवाइज, थोड़ा देर एंटी क्लॉकवाइज। आप खुद भी वीडियो देखें, मदर को दिखाइए, अपनी जो दोस्त हैं और आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी दिखाइए, जिससे कि वो डेली रूटीन में ये सब चीज़ें एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारा घुटना बचे। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ जो नी आर्थराइटिस के लिए बनाया गया है, जिसमें मैंने एक सिकाई और एक रात में एक पेस्ट बना के जो घुटने में, वो प्योरली था नी आर्थराइटिस के लिए। उसमें जब नी पूरा ख़त्म होने के कदार में रहती है या 50% ख़त्म हो जाती है, घुटने में आवाज़ होना, घुटने में दर्द होना, खड़े ना हो पाना, बिल्कुल सर्जरी के लिए डॉक्टर बोला है, उस टाइम में वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। बट ये एक नॉर्मल नी को या थोड़ा से जो आप नॉर्मल हालत में पहुंचा है उसको बचाने के लिए ये एक्सरसाइज है। एक बार फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाओ, वेरी गुड, फिर एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छा। अब ये वाला लेटे हुए हालत में हमने एक स्टेज तक हम लोग सारी एक्सरसाइज सीख ली। अब हमको क्या करना है, इसमें अगर आपको घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है या नॉर्मल घुटना है, फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, ए वाला एक्सरसाइज भी आप जोड़ के कर सकते हो। इससे थाइज मसल्स में आप थोड़ा तनाव बना सकते हो और ये वेट लॉस में भी थोड़ा हेल्प करता है। पेट अंदर खींच के सांस रोक के आपको ऐसे लेना है और फिर आराम से इसको लाना है। यहाँ जब लाओगे तो टकराव नहीं होनी चाहिए, ये इसको खोलनी है फिर इसको लानी है। और सेम चीज़ हवा में लहरा के पैर ऊपर उठा लीजिए, हाँ ये लेना है, इसको लगा के रखो, फिर लाओ, वेरी गुड, फिर लो, फिर लाओ, और थोड़ा ऊपर भी उठा के कर सकते हो, लाओ ऐसे,
10 times, 15 times, 20 times, जितना आप कंफर्टेबल हो। मेन होता है क्या, हम रेगुलर करते हैं या नहीं करते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, कम चीज़ें हो, कम एक्सरसाइज हो, मगर रेगुलरिटी हो और डेली हम रूटीन भरा उसको कर पाए, फाइन। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि हम बैठ के बेड में, बिस्तर से उठने के बाद, सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ, साइडों को उठना है। हमेशा याद रखें कि बेड से जब उठते हो ना, तो एक साइड होके उठो, ऐसे। इससे आपका कमर, स्पाइन, घुटना सारे बचेगा। ऐसे फिर जब जाते हो बेड पे, तो एक साइड से जाओ, फिर इस साइड से भी उठ सकते हो। हाँ, एक साइड से उठिए इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आप इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, जिससे आपको फायदा हो। फिर एक बार उस साइड से उठ जाइए। हाँ, यहाँ पैर को आगे लाइए दोनों, और थोड़ा पीछे जाओ, हाथ को इसके अंदर भरो। वेरी गुड। अब इसको पैर आगे करिए, दोनों ले लो, एक एक करके भी आप कर सकते हो। जैसे देखिए, एक पैर ऊपर गया अंदर की तरफ, हाँ, इस तरह का स्ट्रेच किए और पूरी दबाव इधर डाले, फिर इसको रिलैक्स मोड में ले लिए। फिर ए लेग उठाए, इसको अंदर की तरफ खींचे। वेरी गुड। अभी नीचे ले लिए। अब फिर ये लेना है, अब इसको सामने की तरफ, दबाव सारा घुटने पे होनी चाहिए। वेरी गुड। 5 तक गिनती करना है, रखना है और फिर ले आना है इसको सामने की तरफ। ऐसे आप इसको 10 times कर लीजिए, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, करते जाओ एक दो बार और। तनाव पूरा बना के रखें, घुटने के ऊपर सारी दबाव। एक एक लेग अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम बोथ लेग करेंगे। बोथ लेग करके दिखाओ, दोनों लेग एक साथ उठाओ, पूरी तनाव डालो इस तरीके से। 1 to 10 तक गिनती करनी है। दोनों लेग जब करोगे ना, 1 to 10 तक, सिंगल लेग 5-5 तक। फिर बाहर की तरफ। वेरी गुड। नीचे और करो, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ऐसे 10 times, 15 times दोस्तों करने के बाद आपको क्या करनी है, नीचे कर लो। अब हाथ यहां पे लो, ये जो घुटना है इसको, ए वाला जो स्पेस है, ए वाला, यहां अच्छे से देखिए, यहां आप पाओगे कि थोड़ा सा स्पेस बन जाती है। इसको इस तरीके से आपको रफ करनी है, अपने हाथों से इस तरीके से रफ करनी है कि थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, मांसपेशी का तनाव थोड़ा कम हो जाए। दोनों इस तरीके से अपने हाथ में भी आप करके दिखा सकते हो। फिर इस तरीके से इसको अपने हाथ से ये लेना है, फिर इसको रिलीज करना है। ये लेना है और रिलीज करना है, ये लेना है। मैं इसको करके खुद दिखाता हूँ कैसे लेना है और क्या करना है। ये देख लीजिए, ये पहले आपने रफ कर लिए, इधर इस वाले को रफ कर लिए। अब इसी से देख लीजिए, दबाव डालें फिर रिलीज, फिर दबाव डालें फिर रिलीज किए। दोनों को मिला के भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, फिर रिलीज, फिर ऐसे दबाव डालें फिर रिलीज। 5 to 10 times तक आप कर सकते हो, दबाव डालें फिर रिलीज। अगर ज़्यादा दर्द है तो आप यहाँ से ऐसे ए वाला प्रेशर यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ एक गोलाई का जो है इसके साइड और ये बीच का, यहाँ पे एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसको इस तरीके से आप रब कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो।
यहाँ भी उसी तरीके से, मगर यहाँ से आपको पॉइंट थोड़ा ले लो तो अच्छा है अपने आप, किसी के सहारे के बिना। अगर आपको बर्साइटिस है, यहाँ आपको दर्द है, तो दोस्तों क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका, यहाँ ए वाला जो हिस्सा है और ए वाला जो हिस्सा है, वो बर्साइटिस जो एरिया है वहाँ ऐसे रखिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इसको मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ए वाला भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, पूरे कैप्सूल कैसे पकड़ लीजिए, इसको पकड़ कर रख के होल्ड करके आप भी इसको ऐसे कर सकते हो, अपने घुटने की ताकत बढ़ाए। मेन होता है हर जगह की ताकत बढ़ा ली, एनर्जी बढ़ाइए, पावर बढ़ाइए। जब ये ऊपर उठाते हो तो ये घुटने को ए पॉइंट को ऐसे पकड़ो और ऊपर खींचो, ये देखो जब मैं पैर ऊपर ले रहा हूँ तो इसे ऊपर उठा रहा हूँ, ले रहा हूँ ऊपर ले रहा हूँ, जब नीचे जा रहा है छोड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इतना बेहतरीन एक्सरसाइज है, हजारों मरीजों को बताया और सबको लाभ होती है। आप भी दोस्तों इसको करो, आपको भी फायदा होगा, क्योंकि करने से ही फायदा होता है। ये मैं खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, ओके। तो ये था आपको दो तीन चीज़ें हमने बैठ के भी दिखाया। अब इन जनरल जो हमारे 40, 45 साल, 30 साल, 25 साल के जो लोग हैं, उनके लिए सबसे घुटने और एंकल को अच्छा रखने के लिए बेस्ट तरीका होता है ए वाली एक्सरसाइज। आप इस पोजीशन में रहिए, ए वाली और फिर ए वाली, ऐसे इससे घुटना, काफ मसल्स, थाइज मसल्स, एंकल, सारा कुछ चलता है, दोनों मिला के भी। जगिंग टाइप का भी हो गया, अरे सर ऐसे हैं, और ये वाला आधा घंटा सुबह अगर इसको आप कर लेते हो तो आपको फायदा ही फायदा है दोस्तों। हैं उसके साथ साथ इस तरीके से इसको थोड़ा मैं पीछे आके दिखाता हूँ, ऐसे पैर का भी आना चाहिए ना, ऐसे करके ए लेवल पे ऐसे ऊपर जाना है, फिर रिटर्न आना है। हाफ हाफ करके ले लीजिए, पहले ऊपर का दिखा दो फिर नीचे का, ये देखो ऊपर जाना है और नीचे आना है। जब ऊपर जा रहे हो तो पंजे पे खड़े हो रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, इस तरीके से दोस्तों करना है। और उम्मीद है आप ये सब का पूरा फायदा उठाओगे, नी का एक्सरसाइज करोगे। ये नी एक्सरसाइज पार्ट वन मैंने आज कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर हम लोग इसका पार्ट टू भी बनाएंगे, जैसे सर्वाइकल का पार्ट वन पार्ट टू एक्सरसाइज बनाया गया है, पार्ट टू भी बनाऊंगा। और आपको हमेशा नई नई और सरल जानकारी जो आप घर में कर पाओगे, ऐसा हम हमेशा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और उम्मीद है आप इसको करोगे, सिर्फ देख के चुप रहने से बात नहीं बनेगी। आप ये प्रॉमिस करिए, आज जो इतने स्वेटिंग में हम लोग खड़े होकर इसको बना रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, आप इसका ज़रूर फ़ायदा ले और इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाओ। इसमें जाके अपनी कमेंट भी रखें, और जानकारी चाहिए मुझे बात करो, मैं आपको उसमें अपनी भी व्यू दूंगा। कोई ज़्यादा ज़रूरत है आप मुझे व्हाट्सअप भी करो। हम लोग क्लिनिकली बिजी रहते हैं, पेशेंट वगैरह देखने में हो सकता है कई बार फ़ोन वगैरह नहीं उठा पाते हैं, और टेलीकॉलिंग का सिस्टम भी है, उसमें भी आप जा सकते हो। मगर अक्सर के कोशिश करो, जो जानकारी दे रहा हूँ वो आप इम्प्लीमेंट करो, तो आपको किसी डॉक्टर, किसी क्लिनिक, किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंक्लूडिंग डॉक्टर दरवेश। आप अपना काम को समझो,
जिम्मेदारी को समझो और करो। दो चीज जरूर आप ध्यान रखो, ठंडा और खट्टा, इसको छोड़ दो। आम और पक्का केला, ये सब अगर आप छोड़ दोगे ना, आप बहुत फायदे में रहोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ। और गैस का पॉइंट जरूर दबाते रहो। नी आर्थराइटिस का वीडियो भी देखो, जिसमें हम लोग लेप और हल्दी लहसुन नमक का जो स्टीम बना के आपको बताया हूँ, वो भी आप जरूर करो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।